हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको ये बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये सिर्फ दो ही रो का डिज़ाइन है और आपका डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पट्टी इस पे बना रखी है और ये पट्टी मैंने आपको कितनी अपनी पिछली वीडियो में सिखा रखी है बनानी बता रखी है। आप देखिए, हम इसकी फर्स्ट रो बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपको क्रोशिया का एक अच्छा सा डिजाइन बताने वाले हैं। ये सिर्फ टू ही रो का डिजाइन है। फ्रेंड्स, मैंने इसकी बेस रो तैयार कर रखी है। ये पट्टी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कई बार बताई है, आप उसमें से देख सकती हैं। और देखिए, अब हम इसकी फर्स्ट रो कैसे स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम किनारा बनाएंगे। देखिए, तीन चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे। आप चाहें तो किनारे छोटे बड़े जैसे चाहे रख सकती हैं। ये तीन हो गए, ये चार, पांच। देखिए पांच हो गए फ्रेंड्स, एक और दो, दो बल लेंगे, एक और दो। इन दो को छोड़ के यानी थर्ड में हम इस तरह से बुनेंगे। देखिए, फिर एक चैन बुनेंगे, एक बल, दो बल। दो बल लेने के बाद इसी में बुनेंगे। फिर देखिए, एक चैन, एक, दो, दो बल इसी में बुनेंगे। थ्री टाइम हो गया। फिर एक चैन बुनने के बाद दो बल लेंगे, एक चैन, दो बल। इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पांच, यानी फाइव टाइम बुनेंगे फ्रेंड्स। और एक और दो, फिर दो बल लेंगे। और देखिए, एक और दो को स्किप करेंगे यानी थर्ड में बुनेंगे। फिर एक चैन, दो बल, अभी हम फाइव टाइम इसमें बुनेंगे। एक, दो बल, फिर देखिए एक चैन, दो बल, एक चैन, दो बल। देखिए, फिर एक और दो बल लेंगे और एक दो स्किप करके थर्ड में बुनेंगे। एक चैन, दो बल, इस तरह से। फिर एक चैन, दो बल, फिर एक चैन, दो बल, फिर एक चैन, दो बल। इस तरह फिर देखिए, एक छोड़ के, वो छोड़ के यहां से आप किनारा बना लीजिए फ्रेंड्स। दो, तीन, चार, पांच। फिर देखिए, इसे पलटेंगे और पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए, एक चैन बुनेंगे। और देखिए, अब हम इस सेकंड रो जो है हमारी, इसमें हमने फ्रेंड्स सिर्फ सिंगल क्रोशिया से बुनना है। इस तरह ये देखिए, जब आप यहाँ पर आएंगी तो आप इस देखिए, इसके अंदर से यहाँ से बुनिए इस तरह। फिर देखिए इसके अंदर से, फिर देखिए फ्रेंड्स, ये पांच है ना। अब आपको दोबारा से इसके ऊपर बनाना है, लेकिन पहले आपने ये बनाना है। तो देखिए, आप क्या करेंगे, यहाँ बुनेंगे दो के बाद, ये एक और दो, दो के बाद फिर आपने इसमें सिर्फ देखिए दो चैन बुननी है। एक, दो, दो चैन के बाद देखिए इसमें बुनेंगे, फिर इसमें बुनेंगे,
ऐसे बुनते हुए जाएंगे। सेकंड रो इस तरह बनाएंगे, ये देखिए सिंगल क्रोशिया से, आप देखिए दो बना लिए आपने। ये जो अपना थर्ड है इस पे आपने दो चैन डालनी है, एक और दो। उसके बाद देखिए यहाँ इसके अंदर जो हम ये दो चैन बना रहे हैं फ्रेंड्स, इसके ऊपर हमसे हमें फिर दोबारा दोबारा इस पे यही बनाना है, तो इसलिए हम इसकी जगह बनाते जा रहे हैं इस तरह। देखिए एक और दो, दो चैन। अब हमने पूरे सेकंड रो सिंगल क्रोशिया से ही बुननी है, सिर्फ ये टू ही रो का डिजाइन था फ्रेंड्स। और ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। एक और दो चैन, देखिए मैं आपको थर्ड रो बता देती हूँ। इसके ऊपर थोड़ी सी एक दो तीन एक बन लेंगे और यहाँ बुनेंगे इस तरह से जैसे हम फर्स्ट रो बुन रहे थे। ये किनारे के तीन बन गए और ये चार और ये हमारे पांच बन गए किनारे के। अब देखिए एक दो, दो बल जैसे नीचे बनाए थे इस तरह। ये जो हमने दो चैन बनाई थी फ्रेंड्स, देखिए ये इसके अंदर बुनेंगे अब हम इस तरह से। फिर एक चैन, दो बल, फिर एक चैन, एक दो बल, फिर एक चैन, दो बल, फिर एक चैन, दो बल डाल के इस तरह बुनेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स एक और दो बल इस तरह से इस रो को मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ये डिजाइन देखिए कंप्लीट कर लिया है। देखिए बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। बस आपने इसमें ये फर्स्ट और ये सेकंड ये दो रो रिपीट करनी है और आपका डिजाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स ये हमारा क्रोशिया वर्क आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।